Hello everyone, this is Shweta from EdSector International and welcome back to this channel. So today's video दिल थाम के बैठिए, बहुत ही interesting video है and आज की video है Excuse me ma'am, wish you very very happy birthday. Thank you so much for this lovely gift. Welcome. Happy birthday ma'am. Oh thank you. आज बहुत हैप्पी बर्थडे हो रहा है. मैम मैं रह गई. हैप्पी बर्थडे. ओह थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस लवली गिफ्ट्स. कैन यू कीप दोस गिफ्ट्स हियर? यस मैम श्योर. सो वैसे मैम मैं आपके लिए एक और गिफ्ट लाई हूँ. एक और गिफ्ट? वाओ. मैं वो बाद में दूंगी. वो बाद में दोगे? रियली? बट आई बी वेटिंग फॉर योर गिफ्ट. श्योर मैम. सो आफ्टर दिस वीडियो यू हैव टू गिव इट टू मी. यस फाइन. सो इन शब्दों से मुझे गिफ्ट दिए गए हैं. मैं आज उन शब्दों के ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहती हूँ एंड वो शब्द मुझे बोले गए हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे. मतलब हैप्पी बर्थडे सुन सुन के एवरी ईयर मैं थक चुकी हूँ. मतलब इट्स लाइक हर बार का हैप्पी बर्थडे यार, कुछ और भी तो हो. हैप्पी बर्थडे के अलावा कोई और शब्द तो हो जो कि सुनने में अच्छे लगे, जो कि बोलने में अच्छे लगे एंड सच में आपको लगे कि योर बर्थडे इज स्पेशल एवरी ईयर. सो आज की वीडियो इस चीज के बारे में है. स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब इट क्विकली एंड चलो चलते हैं वीडियो में. सो टुडेज वीडियो इज ऑल एंड ऑल अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग हैप्पी बर्थडे. अब पता नहीं ये गिफ्ट कहाँ से खुलेगा. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ओपनिंग द गिफ्ट्स बट मुझे ये तो मिल जाए कि इसको शुरू कहाँ से करें. बट गिफ्ट को खोलते खोलते मुझे एक बात याद आ गई जो कि थी तो मेरी गलती ही. मैंने किसी के बर्थडे के ऊपर एक गलती कर दी एंड सच में मुझे घर आके बहुत ज्यादा डांट पड़ी एंड इट्स अ लिटिल स्टोरी जो कि मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहती हूँ बट नॉट इन द बिगिनिंग बट एट द एंड. सो वेट टिल द एंड, वॉच द वीडियो टिल द एंड. मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी मेरे से रिलेटेड कि मैंने क्या गलती की किसी के बर्थडे के ऊपर जाके. So let's begin. So पहला तरीका हैप्पी बर्थडे विश करने का रिलेटेड है वाइन से. वाइन के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे. सो वाइन के बारे में आई डोंट नो आपको ये जनरल नॉलेज है कि नहीं है पर चलो मैं आपके साथ ये जनरल नॉलेज शेयर करती हूँ. वाइन एक ऐसी ड्रिंक है जो जितनी पुरानी होती जाती है उतनी ही अच्छी और उतनी ही टेस्टी होती जाती है. सो चलिए मैं इसका सेंटेंस बताती हूँ कि कैसे आप इसको हैप्पी बर्थडे के साथ रिलेट कर सकते हो. यू कैन स्पीक द लाइन, यू आर एजिंग लाइक अ फाइन वाइन. मतलब कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है आप फाइन वाइन की तरह और अच्छी और खूबसूरत होती जा रही है. मतलब आपकी उम्र का तो अंदाजा ही नहीं लगता कि आप कितनी अच्छी लगती जा रही हैं. सो यू कैन से यू आर एजिंग लाइक अ फाइन वाइन. एंड द नेक्स्ट वन इज हैप्पी वूम्ब एविक्शन डे. वूम्ब एविक्शन का मतलब होता है एक ऐसा दिन जिस दिन एक ऐसा दिन जब आप अपनी मदर के वूम्ब से बाहर आए थे. मतलब कि आपने उस दिन बर्थ लिया था. So you can say happy womb eviction day. So the next is completely related to the couples. वैसे तो और भी लोग इन sentences को use कर सकते हैं अपने loved ones और special ones के लिए but ये जो sentence मैं बोलने के लिए जा रही हूँ this is completely good and best for couples. So ये sentence है wishing you a day that is as special as you are. मतलब कि एक ऐसा दिन आपको मुबारक हो जो कि इतना special है जितने कि आप special हो. वेरी गुड एंड आई थिंक कपल्स के लिए ये सेंटेंस बहुत ही बेस्ट होगा. वो अपने लव वंस के लिए अपने डियर वंस के लिए इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज विशिंग यू मेनी मोर कैंडल्स टू ग्लो. मतलब कि ये दिन आपके जीवन में बार बार आए ताकि आप बार बार केक को काटते रहे, कैंडल्स को ग्लो करते जाए एंड अपने बर्थडे को हर साल मनाते जाए. ओके आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल. स्पेशली ये क्वेश्चन जो है वो साइंस स्टूडेंट्स के लिए है. सो मेरे व्यूअर्स जो कि साइंस स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपसे एक सवाल है. बाकी सभी वैसे सवाल है, वेरी नॉर्मल क्वेश्चन जो कि हम अपनी स्टडी में बचपन से लेके पढ़ते आ रहे हैं. इट्स अ वेरी जनरल क्वेश्चन. सो आप सब लोग मुझे बताइए कि हमारे अर्थ को सन के अराउंड घूमने में कितने दिन लगते हैं? एंड गेसेस कितने दिन लगते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ. हमारे अर्थ को सन के अराउंड घूमने में टोटल अप्रोक्सीमेटली, टोटल में तो मैं नहीं कह सकती बट अप्रोक्सीमेटली 365 डेज लगते हैं. सो द नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो इसी से रिलेटेड है एंड द सेंटेंस इज कांग्रेचुलेशंस यू सर्वाइव अनदर ट्रिप अराउंड द सन. सो इसका मतलब ये है कि मुबारक हो आपने एक एक और ट्रिप घूम ली अराउंड द सन. मतलब जैसे कि अर्थ सन के आसपास घूमने में 365 डेज लगाता है वैसे भी आपने भी अपनी
जादू, तो कभी आपने जादू वर्ड का इस्तेमाल करके किसी को भी बर्थडे विश नहीं किया होगा, आई नो। सो चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन स्पीक द लाइन अ मिलियन मैजिक विशेस टू यू, मतलब कि मिलियंस ऑफ जादुई विशेस जो है वो आपको इस दिन मुबारक हो। नेक्स्ट वन इज आई होप यू हैव मेनी मोर बर्थडेज, मतलब कि मैं उम्मीद करता हूँ या उम्मीद करती हूँ कि आपके आने वाले लाइफ में और भी बहुत सारे बर्थडेज आप अपने लाइफ में सेलिब्रेट करो। एंड हमें पार्टी देते जो हो, सॉरी टू से बट पार्टी में चाहिए ना, यू हैव टू गिव पार्टी। आई होप यू हैव मेनी मोर बर्थडेज। चलिए बर्थडे विशेस की तो बात होगी, अब मैं वापस आती हूँ अपनी स्टोरी के ऊपर, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि मैं आपको एक लिटिल स्टोरी सुनाऊंगी अपने बारे में। मैंने गलती की थी बचपन में एंड मुझे बहुत हंसी आ रही है सुनाने से पहले ही, और चलिए मैं शुरू करती हूँ। एंड आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ वेरी लिटिल चाइल्ड, आई डोंट रिमेम्बर द एज, इट कैन बी 6 or 7 or 8। तो एट दैट टाइम देयर वाज अ बर्थडे ऑफ वन ऑफ माय फ्रेंड हियर बाय माय होम, तो मेरी मदर ने मुझे बड़ा ही अच्छा इवनिंग के टाइम पे तैयार करके भेजा। एंड she held a gift in my hand, और gift में एक उस टाइम पे बड़े अच्छे छोटे से केक्स चलते होते थे, लिटिल केक्स बेकरी वाले। एंड दैट टाइम मेरी मदर ने क्या किया, 2 केक्स पैक किए एंड उन्होंने बोला कि ये गिफ्ट है, जहाँ पे आप बर्थडे के लिए जा रहे हो उसको जाके ये गिफ्ट दे देना। एंड आई हेल्ड इट इन माई हैंड एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि वाओ केक्स, एंड केक्स मेरे भी बहुत फेवरेट होते हैं उस टाइम पे। सो व्हेन आई वाज गोइंग ऑन द वे, मैं उसके जो बर्थडे बॉय के जो मैं घर जा रही थी, और दैट टाइम द केक्स वर इन माई हैंड, तो दैट टाइम मैंने क्या किया, मैंने देखो उसमें 2 केक्स हैं एंड मैंने क्या किया, उसमें से एक केक रस्ते में ही खा लिया। सो एट दैट टाइम मैंने क्या किया, जब उसके बर्थडे पे गई तो मैंने वो एक ही केक अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया कि दिस इज योर बर्थडे गिफ्ट। एंड व्हेन आई केम बैक टू माय होम, आई लाइक नरेटेड द होल स्टोरी टू माय मदर, एंड दैट टाइम मेरी मदर ने मुझे बहुत डांटा, उन्होंने बोला कि मैंने तो ये दोनों केक्स उसको बर्थडे गिफ्ट देने गिफ्ट करने के लिए दे दो, तुमने रस्ते में एक केक खा लिया। सो एट दैट टाइम आई वाज क्राइंग अ लॉट, क्योंकि मम्मी से डांट पड़ रही थी, ऑफ कोर्स बोला तो आ ही जाता है। बट देन आई रिमेम्बर दैट स्टोरी नाउ, आई ऑलवेज लाफ इट टू क्रैम्स, कि मतलब बहुत हंसी आती है, मतलब बचपन में हम बहुत सारी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो कि हमें लाइफ टाइम याद रहती है। एंड ऑफ कोर्स ये स्टोरी बिल्कुल ही सूटेबल रही इस वीडियो के लिए, मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ये स्टोरी सुनाई जाए। सो आई होप कि आपको ये स्टोरी भी अच्छी लगी हो, आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चाहिए रेड बटन दबाइए सब्सक्राइब वाला, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस और भी जबरदस्त और भी इंटरेस्टिंग होने वाले।